ऑल राइट गाइस, सो आज की वीडियो ये है। आज भी मैं लाया हूँ यूट्यूब मनी से एक जीन्स लाया हूँ, बहुत ब्रांडेड और न्यू। ये जीन्स येरी और मैं आपको पहन कर दिखाता हूँ। अभी मैंने पहन रखा है अपना लोअर पैंट है, बेल बॉटम लोअर पैंट है पूरा, और ये H&M की शर्ट है, चेस्ट वाली शर्ट है। और ये जीन्स है जेटा जीन्स, इसका ब्रांड टैग है और वाइट ईगल ये लिखा हुआ। और ये पड़ी है मुझे 3500 की जीन्स, और ये फुल स्ट्रेट बैगी है, फुल स्ट्रेट बैगी। और उसका कलर थोड़ा अच्छा है, मतलब देखा जाए तो। और नीचे से इसकी जो एंकल की सिलाई है ना, वो बहुत प्यारी है, पतली पतली है और अच्छी है, और नीचे से खुली भी है। तो मैं आपको पहन कर दिखाता हूँ, वीडियो ऑफ करता हूँ। सो गाइस, मैंने पहन लिया है जीन्स, और ये जीन्स मैंने लिए यूट्यूब मनी से अपनी 3500 के लिए। और ये मैं लाया हूँ कनॉट प्लेस से। कनॉट प्लेस में एक शॉप है, थोड़ी बड़ी शॉप है, तो वहाँ आपको सारी मतलब ब्रांडेड जीन्स मिल जाती है। तो उसका मैं एड्रेस लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा एड्रेस, तो आप जाके चेक कर सकते हो। और ये जीन्स का कपड़ा इसके ऊपर का मैच कर रहा है, ये ऐसी जीन्स है इसके ऊपर कुछ भी पहनोगे ना, कोई भी टी शर्ट या शर्ट मैच करेगी करेगी। और एसी चल रहा है तो उसका मुझे ना साइलेंट मोड करना पड़ेगा, साइलेंट मोड में क्या होता है ना, आवाज़ नहीं आती। साइलेंट मोड में ये एसी एकदम शांत रहेगा, चुप रहेगा और आवाज नहीं करेगा, हवा आएगी बस इसकी। और नीचे से ना फुल बैग ही है, स्ट्रेट बैग ही है जींस, इसका नाम होता है। इन लोगों को मार देता हूँ, देखो भाइयों देखो, तुम्हारे लिए लाया तुम्हारा भाई कंटेंट भाई। मेरे चैनल पे ना ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जो आपकी हेल्प नहीं करेगी, सारी वीडियो मेरी ऐसी होती है जो बंदों की हेल्प करती करती है। मैं लाता ही ऐसा कंटेंट हूँ पर करता हूँ गिम्बल को, नहीं यार ज़्यादा नीचे हो गया, ये मैं हल्का से करता हूँ ना बस। अब पूरी प्रॉपर वीडियो है, ज़्यादा ऊपर हो गया, हल्का सा नीचे, ठीक है। और इसकी पॉकेट भी बड़ी है, यहाँ तक देखो आराम से आप फोन डाल सकते हो, और पीछे की पॉकेट भी बड़ी है, पीछे से लुक कुछ ऐसा है। और ये बेल बॉटम नहीं है जीन्स, ये है फुल स्ट्रेट बैगी पूरी, पर कुछ अलग ही लुक है भाई इसके ऊपर ना, वाइट स्नीकर क्या लगेंगे, कोई सा भी वाइट स्नीकर पहन सकते हो, चाहे वो प्यूमा का हो, चाहे वो नाइकी का हो, चाहे वो एडिडास का हो। और नीचे से एंकल खुला है, मेरा जो शूज का साइज है वो है 6, मेरा पैर छोटा है तो जब मैं शूज पहनता हूँ ना तो उसके बाहर ना जीन्स बाहर फैल जाती है, लगती है भाई जीन्स। मैं बेड के ऊपर हूँ, मैं आपको कैसे दिखूँ पहन के, नीचे फ्लोर पे इतनी जगह है नहीं कि मैं पहन के दिखाऊँ, क्योंकि मेरा ना गिम्बल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर मुझे ट्राईपॉड से ना गिम्बल को एडजस्ट करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है। तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ चेक करके पूरा, बाकी देखो भाई इतना है इसका एंकल लंबा, बाहर को गूगल आई में बहुत प्यारी जीन्स है, फ्लिप फ्लॉप में बहुत प्यारी लगती है ये, वाइट फ्लिप फ्लॉप पहननी पड़ेगी इसके लिए आपको, या भैया अगर जेड ब्लैक होगी तो जेड ब्लैक भी अच्छी लगेगी, मतलब कोई सा भी कलर हो, मेरे हिसाब से वाइट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वाइट पहनो, वाइट खिलता भाई। शूज से ज्यादा ना चप्पल अच्छी लगती है पता है जीन्स में, पर शूज अच्छा होना चाहिए, महंगा लोकल पहनोगे तो भाई क्या ही अच्छा लगेगा, कोई सी भी जीन्स हो चाहे कितनी महंगी भी हो, बाकी चप्पल भी आजकल महंगी महंगी आती है, चप्पल पहनोगे ना इसके नीचे हुए मतलब फ्लिप फ्लॉप टाइप अच्छी लगेगी भाई, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी इसका कलर ना बहुत प्यारा है, यहाँ से लाइट है, यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू है, इसमें ना शेड आपको दिख रहे होंगे देखो अलग अलग जीन्स के, इस साइड की शेड अलग है, इस साइड की शेड अलग है, तो यही इस जीन्स की खासियत बात है ना, थोड़ा कलर अलग है, यूनिक है। और कपड़ा ना फैब्रिक बहुत मतलब सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा ना खुरखुरा है पर अच्छा लग रहा है भाई, मतलब ऐसे जीन्स का ना कपड़ा मैंने कभी नहीं देखा भाई, महंगी है तो भाई जो महंगी जीन्स का ना कपड़ा भी थोड़ा सा यूनिक होता है, हर महंगी जीन्सों के कपड़े अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनके कपड़े ना
कोई किसी जगह से लेके आता है, कोई किसी जगह से लेके आके इसको ना बनाता फैक्ट्री में, तो सबके कपड़े सेम नहीं होते, सबके ना कपड़ों के फैब्रिक बहुत अलग अलग होते हैं और इसलिए सबके ना ब्रांड भी अलग अलग होते हैं। भाई इस साइड से देखो, लेफ्ट साइड से भाई शर्ट के ऊपर ना मैंने जो कॉम्बिनेशन बना के पहना है ना, यही कि हाँ कि कभी भी ना चीज वही पहनो कि आप उस चीज से ना मैच हो रहे हो, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। मैच कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ शर्ट के ऊपर, ये मैच कर रही है और ये ड्रॉप शोल्डर है शर्ट हाफ H&M की। बाकी देखो पीछे से लुक देखो भाई, कुछ तगड़ा भाई। बेल बॉटम भी जीन्स अच्छी होती है, पर कभी कभी हमको ना स्ट्रेट जीन्स पहननी चाहिए। ये स्ट्रेट जीन्स नहीं है, ये स्ट्रेट बैगी है। एक स्ट्रेट जीन्स आती है वो ज्यादा खुली नहीं होती, वो एकदम स्ट्रेट होती है, ये स्ट्रेट बैगी है। कुछ कुछ बैगी ज्यादा खुली होती है तो ये स्ट्रेट बैगी है, स्ट्रेट फुल बैगी। नीचे से एंकल तो पूरा खुला हुआ है भाई कसम से। और जब कभी कभी मैं ऐसे ऐसे चलता हूँ ना रोड पे, तो मुझे ऐसा फील आता है कि ये थोड़ी सी बेल बॉटम भी है। मतलब कभी कभी जैसे हवा आती है थोड़ी ऐसे, जब मैं ऐसे चलता हूँ ना तो जीन्स थोड़ी पीछे हो जाती है, तो ये चीज नीचे खुली होती है। बेल बॉटम की जीन्स ना हमारी जो ये होती है ना जांग होती है, थाई होती है, वो यहाँ से चिपकी होती है, नीचे से खुली होती है, तो कभी कभी ना ये ऐसे ना बन जाती है बेल बॉटम कभी कभी, तो वो चीज मेरे को देखने में ना कभी कभी अच्छा लगता है। बाकी है तो ये फुल स्ट्रेट बैगी। और भाई इसका कपड़ा बहुत प्यारा है, पास से दिखाता हूँ मैं आपको इसका ना कपड़ा। देखो भाई इसका ना कपड़ा चेक करो, जो इसके कपड़े में लाइन लाइन आ रही है ना बनी हुई, यही बहुत अलग चीज है देखने लायक है। और इस जींस में जो शेड है ना भाई, पास से दिखाता हूँ, देखो शेड देखो, इसकी लाइनिंग देख रहे हो, डिजाइन देखो इसका शेड की, साइड देखो। ऐसी जींस आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। और जो मैंने शर्ट पहनी है ना, इसमें ना दो कट है, तो ये चीज बहुत अलग है, यहाँ से छोटी है पीछे से बड़ी है। देखो इसकी लेंथ देखो, डिजाइन है भाई बहुत तगड़ा। और ये इसके ऊपर ना लुक कर रही है बहुत बेहतरीन। और पीछे भी शेड है देखो, यहाँ पे यहाँ से इसका शेड अलग है, इसका शेड अलग है। बहुत यूनिक जींस है भाई जो मैं लाया हूँ, ढूंढ के लाया हूँ 3500 में यूट्यूब मनी से, मजा ही आ गया भाई। चलो ठीक है, और इतनी वीडियो है, देखने के लिए शुक्रिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो इतनी है, और इंजॉय करना इस वीडियो को। बाकी भाई जींस चेक करो भाई, इसकी इतनी लेंथ है एंकल की। चलो ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो इतनी है। और इस वीडियो के लिए देखने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, तो बात मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि और बंदों को भी ना दिक्कत ना हो कि भाई कि उनको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, और कहाँ से वो जीन्स ले, और उनको कैसे कैसे अपना ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करना चाहिए, तो उनको मेरी वीडियो दिखाओ। और इसलिए भाई व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो बाकी और लोगों को भी हेल्प मिल रही है, मैं और को भी हेल्प इस चीज़ में ना करूँगा और हेल्प दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो इतनी है, सो मिलते हैं, बाय बाय। चलो ठीक है, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time.